कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा, कांग्रेस नेताओं की तरफ से इससे पहले भी आतंकियों को जी कहकर संबोधित किया जा चुका है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह चुके हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल ने अपनी हद पार की। राहुल के बयान पर स्मृति का तंज। कहा, राहुल आर्मी चीफ को गुंडा कहते हैं और आतंकियों को सम्मान देते हैं। केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस बेनकाब हो गए हैं। राठौड़ ने कहा कि वो आर्मी चीफ को गुंडा और आतंकियों को जी कहते हैं। जितेंद्र सिंह ने राहुल के बयान पर कहा, अगर मसूद को छोड़ने के लिए बीजेपी दोषी तो कांग्रेस भी दोषी, क्योंकि सभी दलों से बात कर मसूद को छोड़ा गया था। राहुल गांधी ने NSA अजीत डोवाल पर उठाए सवाल। कहा, कांदार हाईजैक मामले में अजीत डोवाल ने मसूद अजहर को पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, PM मोदी CRPF के 40 शहीद जवानों के परिवार को बताएं कि उनके हत्यारे मसूद अजहर को किसने रिहा किया था। राहुल के अजहर मसूद को जी कहने पर भड़का शहीद का परिवार। पुलवामा हमले में शहीद हुए अजीत कुमार के पिता ने कहा, स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं राजनीतिक दल। तृणमूल कांग्रेस आज जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की सूची। पार्टी के आज इलेक्शन कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र के लिए बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक आज। गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अगुवाई। प्रियंका वाड्रा आज पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में होंगी शामिल। गुजरात में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक। वहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे। कश्मीर के बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वापस उनके संस्थानों में भेजने का प्रयास कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीम बनाई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के एक्टिविस्ट्स ने पुलवामा हमले की निंदा की। पाकिस्तान से आतंकी कैंपों को खत्म करने के लिए कहा। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मुदस्सिर खान मारा गया। सोमवार को सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया। भारतीय सेना ने कहा है कि पिछले 21 दिनों में उसने 18 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें से जैश के 6 मुख्य कमांडर भी शामिल हैं। NIA के बुलावे पर मीरवाइज और नसीम गिलानी दिल्ली नहीं पहुंचे। टेरर फंडिंग मामले पर होनी थी पूछताछ। अलगाववादी मीरवाइज और नसीम गिलानी ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली आने से इनकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की के PM रेसिप तैयिप एर्डोगन से की बात। PM ने बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की। PM मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से भी बात की। PM ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया। सोमवार को सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदल एल जुबेर ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की। आतंक के खिलाफ आपसी सहयोग पर चर्चा। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मिले। पुलवामा हमले के बाद अमेरिकी सहयोग की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों पर बैन लगाने को लेकर सुनवाई आज। जनहित याचिका में पूरे देश में पटाखों पर बैन की मांग की गई है। मेघालय में एक खदान में फंसे मजदूरों को निकालने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पूर्व जयंतिया हिल में एक अवैध कोयला खदान में फंसे हैं मजदूर। NCP अध्यक्ष शरद पवार इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवार ने कहा, वो युवाओं को मौका देने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के MLC हरिभाव ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उन्होंने एक सभा में कहा कि एयर स्ट्राइक में एक चींटी तक नहीं मरी। महाराष्ट्र में MNS के एकमात्र विधायक शरद सोनवड़े ने पार्टी छोड़ी, शिवसेना में हुए शामिल। अयोध्या विवाद पर आज से शुरू होगी मध्यस्थता की कोशिश। अयोध्या में आज अवध विश्वविद्यालय में होगी पहली बैठक। मीडिया कवरेज पर पाबंदी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ से लड़ेंगे अखिलेश। अभी मुलायम हैं आजमगढ़ से सांसद। UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी।
उत्तराखंड में मिशन 5 के महामुकाबले की तैयारी, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, राहुल गांधी कमलनाथ समेत तमाम सियासी दिग्गज बैठक में हुए शामिल, 12 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की हो सकती है घोषणा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का वार, बीजेपी जीरो पर होगी आउट, रमन सिंह का पलटवार, नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता। केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बनी तो एमपी में होगा तख्तापलट, बीजेपी उपाध्यक्ष जीतू जिराती के बाद विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी किया दावा, बोले मोदी सरकार के आने के 3-4 महीने बाद एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। रमजान के महीने में चुनाव पर सियासी घमासान, कांग्रेस का बयान जनता की तकलीफ पर ईसी दे ध्यान, बीजेपी का वार मुसलमानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं, वोट बैंक समझने वालों को है दिक्कत। एमपी में बीजेपी से बगावत करने वाले कंप्यूटर बाबा को कमलनाथ सरकार का इनाम, अध्यात्म विभाग ने नदी न्यास का अध्यक्ष बनाने का जारी किया आदेश, बीजेपी का आरोप 1 साल पुरानी डेट में की नियुक्ति, कांग्रेस ने बताया टाइपिंग एरर। आरडी प्रजापति से नहीं छूट रहा विधायक पद का मोह, बीजेपी के पूर्व विधायक कर रहे विधायक नाम की प्लेट लगी गाड़ी का इस्तेमाल, मध्य प्रदेश शासन के लेटर पैड का भी धड़ल्ले से कर रहे इस्तेमाल। एमपी के इंदौर में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, हथकड़ी लगाकर नाबालिग का जुलूस निकालने का आरोप, परिजनों ने आपसी विवाद में झूठा आरोप लगाकर फंसाने का लगाया इल्जाम, गृह मंत्री बच्चन ने संज्ञान लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के बालोदा बाजार में महिला इंस्पेक्टर ने पति को मारी गोली, मामूली कहासुनी के बाद की फायरिंग, घायल पति को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी इंस्पेक्टर अरेस्ट। मध्य प्रदेश के सागर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग छात्रा के चेहरे पर मारा चाकू, छात्रा अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में देर रात तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की सभी 25 सीटों पर नहीं बन पाई आम सहमति, CWC की बैठक के बाद एक बार फिर होगा मंथन। झारखंड महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा ध्वस्त, सीट शेयरिंग पर JMM और JVM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम, फैसला नहीं होने पर हफ्ते भर में नई रणनीति का खुलासा, बीजेपी ने ली चुटकी। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण, पहली बार एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से किया गया लैस, मारक क्षमता में इजाफा। पद्म पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित, सीकर के किसान जगदीश प्रसाद पारिक को मिला राष्ट्रपति से पद्मश्री। राजस्थान के सिरोही में 10 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार, हरियाणा से गुजरात हो रही थी शराब की तस्करी। सिरोही में बाइक चोर गिरोह का आतंक, CCTV में चोरी की वारदात कैद होने के बाद धरे गए आरोपी, 18 बाइक जब्त। दिल्ली के जनकपुरी में लूटपाट कर भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों ने महिला को घसीटा, CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। मनाली में भारी बर्फबारी के समय लोगों को सुरक्षा देता है रोहतांग टनल रेस्क्यू टीम, अब तक हजारों लोगों को बचा चुके हैं जानलेवा एवलांच से। ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए मिसेल की पेरिस की संपत्ति जब्त की, वकील गौतम खेतान की भी संपत्ति जब्त। भारत और ओमान की सेना का संयुक्त अभ्यास आज से ओमान में, 25 मार्च तक चलेगा अभ्यास। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच तीसरी शिखर वार्ता की संभावना, अमेरिकी विदेश सेवा के अधिकारियों के मुताबिक अभी तारीख तय नहीं। DDCA ने कोहली का सम्मान समारोह रद्द किया, पुलवामा हमले के मद्देनजर रद्द किया कार्यक्रम, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को भी किया जाना था सम्मानित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में आखिरी वनडे के दौरान था कार्यक्रम। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल, वीडियो में शाहरुख और अमिताभ साथ में मस्ती करते नजर आ रहे। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन जल्दी एक साथ फिल्म में काम करते आएंगे नजर, फिल्म के सेट से कार्तिक और सारा की एक तस्वीर वायरल हुई।
मेघना गुलजार के निर्देशन में बन रही फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण के अपोजिट विक्रांत मैसी नजर आएंगे। विक्रांत ने अपने किरदार के लिए शुरू कर दी तैयारी। अरबाज खान जल्दी ही अपना चैट वेब शो पिंच लेकर आ रहे हैं। शो में सलमान खान नहीं आएंगे नजर।